अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सफ़िया साद, आई एम वर्किंग एज अ लेक्चरर ऑफ अकाउंटिंग एट IUX। सो स्टूडेंट, आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इशू ऑफ शेयर। देखो, इशू ऑफ शेयर इंटर के स्टूडेंट के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, लेकिन बीकॉम पार्ट वन में भी ये पूरा एक 20 मार्क्स का टॉपिक आता है। तो स्टूडेंट, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, आज की क्लास के अंदर हम इसकी बेसिक डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ शेयर, शेयर क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, ऑथराइज कैपिटल क्या होता है, और उसके साथ एक अहम इसका जो सिनेरियो है वो डिस्कस करेंगे, अंडरराइटर और एक्सेस एप्लीकेशन जो होती हैं वो डिस्कस करते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं एग्जांपल के साथ, लेट्स बिगिन। सो स्टूडेंट, इश्यू ऑफ शेयर स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं शेयर क्या होता है। देखो, शेयर जो होता है ना, शेयर एक पीस ऑफ पेपर होता है जो कंपनी इशू करती है और उसके अगेंस्ट हमसे कैपिटल लेती है। आप समझना, सबसे पहले हमने डिस्कस किया था सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, एक इंडिविजुअल अपना बिजनेस रन करता है, इंडिविजुअल जो होता है पैसा लगाता है और बिजनेस को रन करता है, वही प्रॉफिट लेता है और वही लॉसेस लेता है। उसके बाद जब फंडिंग को ग्रो करना है, उसको बिजनेस को ग्रो करना है, तो वो फिर पार्टनरशिप की तरफ मूव करता है। पार्टनर्स दो या दो से ज़्यादा पार्टनर्स मिलके जो बिजनेस करते हैं, डेट बिजनेस इज कॉल्ड अ पार्टनरशिप बिजनेस। अच्छा, MCQs के लिए एक बात बताऊं कि हमारी मैक्सिमम पार्टनर्स जो होते हैं वो 20 होते हैं, 20 से ज़्यादा पार्टनर हम उसको एक्सीड नहीं कर सकते बिजनेस के अंदर, यानी वो फिर इलीगल होता है। अभी हम अंडर द लॉ ऑफ द पाकिस्तान 20 पार्टनर्स जो होते हैं मैक्सिमम होते हैं। अब मैं बीच में जो बुलेट्स बातें आपके लिए करूँगी, वो सारी बातें क्या होंगी, वो आपके MCQs को कवर करेंगी। ये जो टॉपिक है, ये आपका मैं अगेन बताती चलूँ कि ये पार्ट वन में भी आपको हेल्प करेगा, बीकॉम पार्ट वन, और इंटर के स्टूडेंट के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग बेसिक चीज़ों को डिस्कस करेंगे। देखो, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना कि व्हाट इज़ इश्यू ऑफ शेयर क्या होता है, और शेयर क्या है, और कैपिटल, हमने ऑर्डिनरी शेयर को कैपिटल को किस तरह से क्रेडिट करना है, क्यों करना है, पार वैल्यू क्या होती है, सारी चीज़ें हम जो डिस्कस करेंगे इसमें, तो आपका अगर बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया ना, तो फिर आपको इस टॉपिक में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस जो हम वीडियो आज की डिस्कस करेंगे, तो आप उसमें काम ये करना है कि आप पेन कॉपी लेके बैठो और जो बुलेट्स पॉइंट होंगे उनको नोट डाउन करो, ताकि वो याद भी रहे और आपके MCQs भी आपके कवर हो जाए। देखो, शेयर क्या होता है, अब मैंने आपको बताया सोल प्रोप्राइटरशिप, देन पार्टनरशिप आया। अब अगर मुझे बिजनेस को और ग्रो करना है और फंडिंग चाहिए, तो अब मैं क्या करूँगी, कंपनी की तरफ मूव करूँगी। कंपनी क्या करती है, कंपनी जर्नल पब्लिक को अपने शेयर इशू करती है और उनसे पैसे लेती है और उनको शेयर देती है। देखो, शेयर इज़ अ पीस ऑफ पेपर। अब फॉर एग्जांपल, एक कंपनी से मैंने शेयर बाय किया, तो मैंने उनको अमाउंट दिया और उसने एक अपना शेयर मुझे इशू कर दिया, तो इट्स मीन अब मैं भी कुछ परसेंट की उसकी ऑनर हो गई कंपनी की। तो शेयर क्या होता है, आज शेयर इज़ अ सर्टिफिकेट ऑफ द ऑनरशिप इन अ कंपनी एंड द पर्सन हु हैज़ दिस सर्टिफिकेट इज़ कॉल्ड द शेयर होल्डर और मेंबर ऑफ द कंपनी। यानी वो जो शेयर जिसने बाय किया, वो मेंबर ऑफ द कंपनी भी होगा और शेयर होल्डर भी कहलाता है। उसके बाद आता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये कुछ बेसिक्स बातें हैं जो हम पहले डिस्कस इसलिए कर रहे हैं, वो आपके MCQs कवर करेंगे। देखो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, जिसके अंदर कंपनी जब आप फॉर्म कर रहे होते हैं, जब प्रोसीजर उसका बन रहा होता है, तो हम ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर उसके सारे रूल्स, रेगुलेशंस और डिफरेंट जितने भी इंटरनल अफेयर्स होते हैं कंपनी के, वो सारी चीज़ें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर मेंशन होती है। उसके बाद होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। देखो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर कंपनी का ऑब्जेक्टिव, उसका ऑथराइज कैपिटल और उसका हेड ऑफिस एड्रेस, ये सारे क्लॉजेज जो होते हैं वो उसके अंदर मेंशन होते हैं। कैपिटल ऑफ द कंपनी, दो तरह के कैपिटल होते हैं, एक ऑथराइज कैपिटल होता है, अभी मैं एग्जांपल जो डिस्कस करूंगी उसके अंदर ऑथराइज कैपिटल होगा जिसको मुझे इग्नोर करना होगा। ऑथराइज कैपिटल क्या होता है, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर रजिस्टर्ड होता है और उस लिमिट से ज़्यादा मैं जनरल पब्लिक को शेयर इशू नहीं कर सकती। और इशू कैपिटल क्या होता है, इशू कैपिटल रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ अ कैपिटल विच हैज़ बीन इशू, जो कैपिटल इशू हो चुका होता है। आज हम लोग जो क्लास में डिस्कस करेंगे वो होंगे दो केसेस। एक हम करेंगे एक्सिस का केस, यानी मैंने एक जनरल पब्लिक को ऑफर करने थे शेयर एक 20,000, लेकिन पब्लिक ने ले लिया 25, तो उसकी जनरल एंट्रीज कैसे बनेगी। जब भी ये क्वेश्चन आता है, ये टॉप पे आता है, ये ज़रूरी आपका कवर करता है, या तो एक्सिस का केस आता है या अंडरराइटर का केस आता है। तो इनकी एंट्रीज को स्टूडेंट्स आज अच्छे से आप लोगों ने फोकस करना है मेरे साथ,
और जो बुलेट्स पॉइंट है उनको नोट करना है और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करना है आपको। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 के साथ। माई कंपनी लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद द कैपिटल ऑफ 50 लाख डिवाइडेड इंटू द ऑर्डिनरी शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच। ये बात यानी कंपनी जो रजिस्टर्ड कैपिटल है मीन्स डेट ऑथराइज कैपिटल जो कंपनी का है विच इज 50 लाख और पार वैल्यू क्या मैंशन हुई है 10 रुपीज। ये जो 10 रुपीज पार वैल्यू है ना ये आगे आपको बहुत हेल्प करेगी। देखो पार वैल्यू 10 है इतना याद रखेगा यानी ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल हमेशा आप इस एंट्रीज में 10 रुपीज से हमारा क्रेडिट होगा। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से गो थ्रू करते हैं ताकि क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर ले तो हमें सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो अब वो क्या कह रहा है द कंपनी ऑफर टू द पब्लिक 15,000 शेयर्स पेबल इन द फुल ऑन एप्लीकेशन। मीन्स कंपनी ऑफर कितने कर रही है 50,000 शेयर और बैंक ने इन्फॉर्म करा है कि 20,000 शेयर एप्लीकेशन वो रिसीव द कंपनी अलॉटेड द ऑफर शेयर एंड रिफंड द अमाउंट रिसीव इन एक्सेस। इट्स मीन इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहे हैं कि कंपनी ने ऑफर किए 15,000 शेयर और बैंक ने इन्फॉर्म किया कि हमारे पास 20,000 शेयर आ गए तो इट्स मीन 5,000 शेयर क्या करेंगे हम लोग रिटर्न करेंगे पब्लिक को। अब उसकी एंट्रीज देखिएगा, आपने जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बनाया, उसके बाद सबसे पहले आपने करा बैंक डेबिट एंड ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन नॉट कैपिटल। इसको मेरे साथ एक बार दोबारा बोलिएगा बैंक डेबिट एंड ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट वो अमाउंट से करना है जो अमाउंट हमें रिसीव हुआ है विच इज़ 20,000। इस क्वेश्चन के अंदर बैंक इन्फॉर्म कर रहा है कि 20,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई है। देखिएगा इस लाइन को मैं मेंशन कर रही हूँ द बैंक इन्फॉर्म डेट 20,000 शेयर एप्लीकेशन वर रिसीव्ड। तो इट्स मीन ये 20,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई तो फर्स्ट एंट्री आप याद कर लें जो भी अमाउंट रिसीव्ड होगा जो भी एप्लीकेशन रिसीव्ड होगी उससे बनेगी। तो बैंक डेबिट ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट 20,000 मल्टीप्लाई बाई 10 तो मेरा अमाउंट 2 लाख से डेबिट हो गया बैंक एंड 2 लाख से क्रेडिट हो गया। इसमें मैंने 20 मल्टीप्लाई बाई 10 किया यानी पार वैल्यू से जो एक शेयर की वैल्यू थी विच इज़ 10 रुपीज़ उससे मल्टीप्लाई करा 20 को तो आई गॉट द 2 लाख रुपीज़ जिससे मैंने डेबिट एंड क्रेडिट कर दिया। अब सेकेंड एंट्री क्या करेंगे हम सेकेंड एंट्री में ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन को डेबिट करेंगे एंड ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे वो अमाउंट जो ऑफर की थी कंपनी ने। कंपनी ने ऑफर कितने किए थे 15,000 के शेयर। कंपनी ने ऑफर कितने किए थे 15,000 के शेयर और आ कितने गए 20,000 के शेयर यानी 20,000 के अमाउंट आ गया। तो सबसे पहले मैंने क्या टैकल किया मैंने बैंक को डेबिट किया एप्लीकेशन को क्रेडिट किया 20,000 रिसीव्ड अमाउंट से। उसके बाद मुझे जो रिक्वायर्ड थी मैंने उस अमाउंट से एप्लीकेशन को क्लोज किया मीन्स डेबिट में करा। यहाँ देखिएगा मेरे साथ सेकेंड एंट्री को ज़रा फोकस करिएगा ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन डेबिट एंड ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट 1,50,000 मीन्स 15,000 मल्टीप्लाई बाय 10 और उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया एप्लीकेशन में। अब थर्ड एंट्री में मैं क्या करूँगी एक्सेस अमाउंट जो था उसको रिफंड करूँगी। तो डेफिनेटली जब एक्सेस अमाउंट रिफंड करूँगी तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा और एप्लीकेशन मेरी ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन मेरी डेबिट हो जाएगी। तो इट्स मीन 5,000 मल्टीप्लाई बाय 10 तो स्टूडेंट ये जो हमने पहला सिनेरियो डिस्कस किया इस सिनेरियो में क्या था इस सिनेरियो में मैंने एक्सेस केस डिस्कस करा जिसमें कंपनी ने ऑफर किए थे दोबारा देखे 15,000 शेयर और बैंक ने इन्फॉर्म किया कि हमने रिसीव करे 20,000 शेयर तो 5,000 जो एक्सेस अमाउंट था मैंने रिटर्न किया। मेरे साथ अगेन बोलिएगा ताकि ये हमें पढ़ते पढ़ते रिमाइंड हो जाए और मेमोराइज हो जाए। एंट्री नंबर 1 वो अमाउंट जो रिसीव हुआ है विच इज़ बैंक डेबिट एंड एप्लीकेशन क्रेडिट एंड द सेकेंड ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन को मैंने क्लोज करा डेबिट में एंड ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल को मैंने क्रेडिट करा कौन सा अमाउंट गुड वो अमाउंट जिससे मुझे ऑफर किया था विच इज़ 15,000 क्वेश्चन में 15,000 गिवन इन एंड थर्ड में मैंने क्या किया उसको रिफंड कर दिया। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा इट इज़ वेरी इजी। आपने ये अभी एक्सेस केस डिस्कस किया। देखो अब जो दूसरा सिनेरियो वो क्या है ऑफर करेंगे 15 आ जाएंगे 12 मींस कम अमाउंट आएगा। तो अब उस सिनेरियो में क्या करना उस सिनेरियो में क्या होता है डिफरेंट अंडर राइटर्स होते हैं। देखो अब फर्स्ट सिनेरियो हो गया अब सेकंड सिनेरियो की तरफ हम मूव कर दें। सबसे पहले हम इसको ऑथराइज कैपिटल देखेंगे क्या है। देखो ऑथराइज कैपिटल इज अ डमी ना उसको ऐड करना है बैलेंस शीट में ना उसकी कोई एंट्री पास करनी है
बस ऑथराइज कैपिटल एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मेंशन कैपिटल होता है जो मुझे टॉप पे बता दिया जाएगा। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें ऑथराइज कैपिटल हेल्प इस तरह से करेगा कि पार से हम प्रीमियम निकालेंगे, उसको अभी छोड़ते हैं। हम अभी इसी सिनेरियो को देखते हैं विच इज अंडरराइटर सिनेरियो, यानी कम अगर एप्लीकेशन रिसीव होंगी तो अंडरराइटर वाली एंट्री क्या पास आउट होगी, हम वो डिस्कस करते हैं। देखो अब क्वेश्चन को अगेन हम अच्छे से गो थ्रू करते हैं ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो जाए, और जो इम्पॉर्टेंट काम की बातें थी उनको आप लोग भी हाईलाइट करके नोट डाउन कर लो ताकि आप इसके वीडियो देखते देखते ना आपके जो भी कॉन्सेप्ट है ये मेमोराइज भी आपको एंट्रीज हो जाए। आपने सिंपल तो क्या करना है, ये एंट्रीज को आपने कॉन्सेप्टल समझना है और इसको लिखना है, बस अमाउंट चेंज होगा। जो भी आपका क्वेश्चन आएगा पेपर्स में अमाउंट चेंज करना है, एंट्रीज पास करनी है, और अगर आप वीडियो को फोकस होकर देख रहे हो तो इसी वीडियो में आपको ये एंट्रीज आई एम श्योर कि आप इसको आपको यही वीडियो याद हो जाएगी, क्योंकि मैं बार बार एंट्री को इस बार बार रिपीट इसलिए करती हूँ ताकि स्टूडेंट जब ये वीडियो देख रहा है तो उसको वहीं पे वो चीज़ मेमोराइज हो जाए, और जो स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं आओ तो वो अगेन रिपीट करने में उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सो स्टार्ट करते हैं सेकंड सिनेरियो यानी सेकंड प्रॉब्लम, विच इज़ द कंपनी ऑफर टू द पब्लिक 70,000 शेयर। कंपनी ने ऑफर कितने किए, 70,000, और एप्लीकेशन रिसीव कितनी हो रही है, 60,000 शेयर वर रिसीव। As per agreement, the underwriter subscribe for the balance their share। देखो जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है ना किसी बैंक से, तो हम उस बैंक से या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जहाँ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो वहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट में लिख दी जाती है बात कि अगर मैं 60,00,000 ऑफर कर रहा हूँ जनरल पब्लिक को शेयर, डेफिनेटली कंपनी को अमाउंट की कैपिटल की नीड होगी तो वो जनरल पब्लिक को ऑफर करेगी पैसे। कंपनी में नीड है तो वो ऑफर करेगी, जनरल पब्लिक शेयर लेगी और उसके अगेंस्ट में क्या देगी, कंपनी को अमाउंट देगी। तो ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि जस्ट इन केस अगर मैं 50,000 का एक ऑफर कर रही हूँ शेयर, मेरी 50,000 शेयर ऑफर कर रही हूँ, और अगर रिसीव कम हुए तो फिर ये बात मेंशन होती है तो कोई अंडरराइटर बनेगा। अगर कोई अंडरराइटर उस टाइम नहीं बनता तो बैंक खुद बन जाते, तो ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। यानी अगर ऑफर कम होगी, ऑफर से कम अमाउंट, कम एप्लीकेशन हमारे पास आएंगी तो हम क्या करेंगे, तो अंडरराइटर ऑलरेडी मेंशन होते हैं, तो हमें सिंपल एंट्रीज पे फोकस करना है। तो अब हम एंट्रीज समझते हैं जो आपका कॉन्सेप्ट आता है। 70,000 एप्लीकेशन ऑफर थी, आई कितनी, 60,000, तो 10,000 अंडरराइटर की होगी, उसको देखिएगा। फोर एंट्रीज बनेंगी। फर्स्ट एंट्री अभी मैंने डिस्कस की है, फ़ौरन से आपके दिमाग में वो आ जानी चाहिए जो अभी मैंने डिस्कस की थी, मींस फर्स्ट एंट्री हमेशा रिसीव्ड एप्लीकेशन से पास होगी। तो यहाँ एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई है, 60,000, तो बैंक डेबिट। ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन, देखो ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 10 मींस 6 लाख एंड 6 लाख से डेबिट एंड क्रेडिट। तो फर्स्ट एंट्री मैंने किसकी पास की है स्टूडेंट, फर्स्ट एंट्री मैंने वो अमाउंट से पास की है जो अमाउंट मुझे रिसीव हुआ, लेकिन यहाँ पे ऑफर 70 थी, ये दिमाग में रखिएगा, ये एक्सिस केस नहीं है, इट इज़ अंडरराइटर केस, इसमें कम हो रही है एप्लीकेशन। देखिए सेकेंड एंट्री में मैंने अंडरराइटर को डेबिट करा एंड ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन को 10,000 से मैंने क्रिएट किया यानी उसको क्रेडिट करा, तो यहाँ पे 10,000 यानी 1,00,000 का अमाउंट आ गया मल्टीप्लाई करके। अब मैंने उसको ट्रांसफ़र कर दिया, बैंक डेबिट हो गया एंड अंडरराइटर क्रेडिट हो गया, अंडरराइटर को क्लोज कर, अंडरराइटर क्रेडिट हो गया और बैंक डेबिट हो गया। मेरे साथ बोलिएगा, फर्स्ट एंट्री रिसीव अमाउंट, रिसीव एप्लीकेशन, सेकंड एंट्री, दो एंट्रीज यहाँ पे इसलिए बन रही है कि अंडरराइटर को एडजस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले अंडरराइटर को मैंने डेबिट करा एंड ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन, नॉट कैपिटल, कैपिटल लास्ट में ट्रांसफ़र करूँगी मैं, जब मेरा 70 का जो ऑफर्ड अमाउंट था वो मेरे पास आ जाएगा, देन आई विल ट्रांसफर इनटू द कैपिटल अमाउंट, अभी नहीं कर रही मैं। तो देखिएगा अंडरराइटर डेबिट एंड ऑर्डिनरी शेयर क्रेडिट, सेकंड एंट्री और थर्ड एंट्री को फोकस करिएगा स्टूडेंट, बैंक डेबिट एंड अंडरराइटर क्रेडिट। तो 1,00,000 से हो गया, इसका मतलब एप्लीकेशन 6,00,000 ऊपर आ गई, यानी 60,000 ऊपर आ गई मल्टीप्लाई बाय 10 करके, और 10,000 के नीचे आ गई, 60 + 10 70,000 एप्लीकेशन हो गई। तो अब मैं क्या करूँगी, फोर्थ एंट्री में इसको किस तरह से एडजस्ट करूँगी, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल के अंदर इसको एडजस्ट करूँगी। सो ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन डेबिट एंड ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट, तो इसको देखिएगा 70,000 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड 70,000 मल्टीप्लाई बाय 10, मेरे पास वो अमाउंट आ गया जो मुझे जनरल पब्लिक को ऑफर करना था। देखो स्टूडेंट यहाँ पे हमने दो इंपॉर्टेंट सिनेरियो डिस्कस करे, एक सिनेरियो में मैंने एक्सिस केस डिस्कस करा एंड द सेकंड सिनेरियो के अंदर मैंने यहाँ पर
अंडरराइटर का केस डिस्कस करें। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने कॉन्सेप्चुअल चीज़ें देखनी है। यहाँ जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, फर्स्ट एंट्री में रिसीव्ड अमाउंट, और सेकेंड एंट्री में अगर अंडरराइटर है तो एडजस्टमेंट करेंगे दोनों अंडरराइटर की, और थर्ड में फाइनल कैपिटल को मैं ट्रांसफ़र कर दूंगी, यानी एप्लीकेशन ट्रांसफ़र इनटू द ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है। ये सारी बातें मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपके MCQs इस ईयर MCQs ज़्यादा आएंगे एज़ यू नो डैट। तो आप लोगों ने फोकस करना है इस लेक्चर के साथ। आपने अगेन मैं आपको इस बात को मेंशन कर रही हूँ कि आपने पेन कॉपी लेके बैठना है और उसको नोट डाउन करनी है जो बार बार चीज़ें यहाँ पे रिपीट हो रही हैं। तो आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, और जो हमने डिस्कस किया कि कंपनी और प्लस हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डिस्कस किए हैं, ये सारी चीज़ों को आप इसको पढ़े। और इसको एक काम और करिएगा, जब आप ये वीडियो देख लो तो एक दो पास्ट पेपर से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना ताकि वो आपको और हेल्प करें। तो स्टूडेंट अगेन हमने यहाँ पे दो सिनेरियो डिस्कस करे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे डिफरेंट लाइक परचेजिंग वाली एंट्रीज और पार और प्रीमियम को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग कनेक्ट रहिएगा हमारे साथ, आप इसको देखिएगा। हम आई होप ये दोनों सिनेरियो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आई होप स्टूडेंट अभी हमने क्लास में जो भी चीज़ डिस्कस की है, मीन्स हमने जो अंडरराइटर का केस डिस्कस किया और एक्सिस एप्लीकेशन की जो तीन एंट्रीज हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से डिस्कस किए और अंडरराइटर की फोर एंट्रीज जो डिस्कस की है, वो आपको सब क्लियर हो गई होगी। ये बेसिक्स कॉन्सेप्ट था इशू ऑफ शेयर का। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे इसकी परचेजिंग और डिफरेंट एंट्रीज किस तरह से पार्ट डिस्कस होंगी, प्लस इसका प्रीमियम कैसे निकलेगा और डिस्काउंट कैसे निकलेगा। तो स्टूडेंट इस लेक्चर को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।